हो गया सब। सेक्रेटरी यूआईटी राजपाल जी यादव साहब साफा पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं और उनका माल्यार्पण करेंगे, बुके भेंट करेंगे। इसी क्रम में हमारे बीच नगर परिषद सीकर के हमारे सभापति, आप सब जानते हैं कि शहर को आपने किस प्रकार, पूरे शहर में सड़कें आपने बनवाई है, अपने बखूबी अपनी जो पद जो आपने धारण किया हुआ है, आप इस शहर के सौंदर्यकरण के लिए भी आप सजग हमारे विधायक महोदय के मार्गदर्शन में आप इस पूरे शहर को सुंदर बनाने में लगे हुए हैं। और मैं एक बार फिर से हमारे राज्यपाल से हमारे इस कार्यक्रम में उपसभापति महोदय अशोक चौधरी साहब हमारे बीच हैं। अशोक चौधरी साहब का स्वागत अभिनंदन करने आया श्रीमती हरप्यार देवी जी हमारे बीच विराजमान है। मैं अनीता जी से अनुरोध करना चाहूंगा, अनीता जी दत्तनी है सीओ सुरेश कुमार। इसी क्रम में हमारे बीच में अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमान राजेंद्र पारिक जी, शहर के प्रथम नागरिक एवं दूसरी बार सभापति माननीय जीवन खां जी, पिपराली पंचायत समिति के पूर्व प्रधान सीताराम जी, नगर परिषद के उपसभापति अशोक चौधरी जी, माननीय सरपंच महोदया हरप्यार देवी जी, जिले के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी सीओ जिला परिषद श्री सुरेश कुमार जी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय श्री रतन कुमार जी, दूध के एसडीएम मिथिलेश कुमार जी, डीएसओ श्री कपिल उपाध्याय जी, एसीएम सुशील सैनी जी, समस्त यूआईटी के अधिकारीगण, वीडियो पंचायत समिति पिपराली गोकुलपुरा ग्राम पंचायत और सिक्कर विधानसभा से के विभिन्न एरियों से पधारे हुए संभ्रांत नागरिकगण, यूआईटी में मेरे ज्वाइन करने के बाद मैंने जब माननीय विधायक जी से बात की, सर अपन क्या कर सकते हैं, कैसे विकास करना चाहिए, यूआईटी का जो बजट है उसमें से किस प्रकार खर्च करना चाहिए, तो माननीय विधायक जी ने मुझे कहा कि भाई पिता तुल्य पूर्व प्रधान सीताराम जी खीचड़ साहब और मंच पर आपके प्रिय लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री परम सम्मान्य राजेंद्र जी पारिक साहब, मंच पर विराजमान मेरे साथी उपसभापति सुखजी चौधरी, गोकुलपुरा सरपंच साहिबा एडीएम साहब, जिला परिषद सीओ साहब, मंच पर विराजमान बहुत एसडीएम साहब, डीएसओ साहब, एसीएम साहब, यूआईटी सेक्रेटरी साहब, समस्त ग्राम पंचायत के प्रबुद्ध नागरिकगण, मेरे सभी साथी पार्षद प्रशासनिक अधिकारी, आज का ये कार्यक्रम माननीय विधायक महोदय की पिछले 5 साल के बाद और ये आने वाले जो विधायक बनने के बाद ये सपना जो पूरा होने जा रहा है, ये एक अद्भुत कार्यक्रम है। जब विधायक नहीं थे उस समय माननीय विधायक महोदय के साथ जब बैठना होता था तो हर समय एक ही मन में कि रामूगढ़ तिराहे से लेकर के गोकुलपुरा तक एक्सीडेंट पॉइंट है, एक्सीडेंट बहुत होते हैं, किस तरीके से ये विकास हो। लेकिन उस समय न सरकार थी, न यूआईटी हमारे पास थी,
एक लाइट जो आई मास्क है ये भी हम नहीं लगा पाए क्योंकि यूआईटी हमारे पास नहीं होने के कारण ये लाइट हमारे पास एनओसी नहीं मिली। नगर परिषद लगाने का प्रयास किया लेकिन एनओसी नहीं मिलने का आई मास्क लाइट भी हम लगा नहीं पाए। मैं माननीय विधायक महोदय के इस सपने को आज साकार होते थे मेरे मन में जो खुशी है मैं इसका आप लोगों से कोई नहीं कर सकता। लेकिन विजन जो विधायक महोदय का विजन जब से एमएलए माने उससे बाद में आज तक विकास की जो गाथाएं लिखी गई उसमें पिछले कार्यकाल में की जो है वो आपके सामने चाहे समृद्धि बन लो चाहे और किसी भी काम में लो उसके बाद में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जो हमारी कल्याण हॉस्पिटल थी वो खत्म होने जा रही थी। लेकिन विधायक मोदी का सपना था कि मेडिकल कॉलेज के साथ साथ कल्याण हॉस्पिटल भी जिंदा रहे। कल्याण हॉस्पिटल की सौगात उसके साथ नेहरू पार्क बजाज ऑटोरियम साथ साथ मिनी सेक्रेटरी के लिए जमीन अलॉट कराना मिनी सेक्रेटरी पास करवाना 4 लेन ये लाइन उसके बाद नवलगढ़ रोड की जो 13 करोड़ रुपए की सौगात जो ड्रेनेज की हम समस्या सीकर में एक बड़ी विकराल रूप में थी उसको साकार करना साथ साथ में पुलिया और जुडिशियल के लिए भी जमीन अलॉटमेंट करवाना ये सारी की सारी सौगातें आने वाले समय इस सीकर के 4 साल लगेंगे। और मैं ये बात भी बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाला जो शहर सीकर शहर है वो उसका एरिया यही है। गोकुलपुरा हो चाहे सावली हो चाहे चंदपुरा हो चंदपुरा में जैसे यूआईटी सेक्रेटरी साहब अभी कह रहे थे कॉलोनी काटने जा रहे हैं वो भी एक है अपने आप में क्योंकि आज जो सीकर है आज सीकर वो सीकर नहीं रहा जो पहले था। अब सीकर जो कोटा के बाद में एजुकेशन के रूप में यहाँ के जितने भी मेरे एजुकेशन सेक्रेटरी साहब डायरेक्टर उनको इस बात की आपके माध्यम से बधाई देना चाहूंगा आपने सीकर को एक नई पहचान दी। सीकर की आर्थिक जो ग्रोथ है आज एजुकेशन से जुड़ी हुई उसी प्रकार से ये रामगढ़ तिराहे से लेकर के जो सौंदर्यकरण होगा उसमें आने वाले का आप माल्यार्पण स्वागत आप करें आप बुके भेंट करें स्वागत करेंगे पार्षद अभी वो भी बता रहे हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हरी राम जी भड़िया साहब और हमारे यूनुस बिसायती। ये रामू का बास तिराहे से गोकुलपुरा तिराहे तक लगभग 1400 मीटर लगभग 1.5 किलोमीटर सड़क उपस्थित सम्माननीय विधायक महोदय सीकर अजेंद्र पारिक जी चेयरमैन प्यून खान जी पूर्व प्रधान पंचायत समिति के प्रधान अन्य जनप्रतिनिधिगण जिला स्तरीय अधिकारी सीओ साहब एडीएम साहब यूआईटी सेक्रेटरी साहब एसडीएम धोत और अन्य जिला स्तरीय अधिकारीगण एवं अर्बुद नागरिक जन जैसा कि आप सभी जानते हैं आज जो सीकर जिले का हमारा जो मेन एंट्रेंस रोड है कस्बे का तो उसका 4 लेनिंग का कार्यक्रम का शिलान्यास का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो रहा है। सबसे फर्स्ट फेज के अंदर रामू का बास से लेके गोकुलपुरा तिराहे तक का काम जो 4 लेनिंग का वर्क रहेगा इसमें लाइन शिफ्टिंग का रहेगा विद्युतीकरण की साथ में डिवाइडर्स और गेंट्री का कार्य। इसके बाद नेक्स्ट फेज में गोकुलपुरा तिराहे से आगे रिको तिराहे तक का कार्यक्रम वर्क जो है टेकअप किया है उसमें उसके रिकारपेटिंग और बीच बीच में जो वर्क्स हैं रोड का सुदृढ़ीकरण कार्य रहेगा। इसके अलावा नवलगढ़ रोड और अपना फतेहपुर रोड है उसको भी यूआईटी टेकअप कर रही है तो शहर के जो मुख्य सभी तीनों रोड्स हैं उन सभी पे यूआईटी के द्वारा काम करवाया जाएगा। इसके अलावा यूआईटी सीकर के विकास के लिए जो भी मेजर डेवलपमेंट वर्क्स हैं उनको प्रायोरिटी पर टेकअप कर रही है और प्रशासन शहरों के संघ के अभियान में भी यूआईटी के द्वारा अग्रिम पट्टे देकर राजस्थान में वन ऑफ द बेस्ट यूआईटीज की तरह परफॉर्म किया गया है। और अंत में मैं आप सभी जन इस कार्यक्रम में पधारे इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। आदरणीय जिला कलेक्टर एवं चेयरमैन नगर यूआईटी डॉक्टर अमित यादव साहब हृदय पूर्व प्रधान सीताराम जी कीचड़ साहब हृदय नंदलाल जी राम सेवक कीचड़ साहब चेयरमैन जेवन खान जी वाइस चेयरमैन अशोक जी चौधरी साहब सी ओ साहब सुरेश यादव एडीएम साहब रतन कुमार जी तहसीलदार एस डी एम धोत
डीएसओ साहब, एसीएम साहब, सरपंच गोकुलपुरा, गाँव के सभी प्रभु के लोग, सभी मित्रों और शहर से पधारे हुए सभी प्रभु के लोग, सारे परिषद पार्षदगण, सबसे पहले मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस कार्यक्रम को पधार कर आप इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। कृष्ण साहब, जिस जगह आप बैठे हुए हैं ये हाईवे का पार्ट है, और जब हाईवे का पार्ट बन रहा था तब मैंने काफ़ी कोशिश की कि गोकुलपुरा जो आगे तिराया है वहाँ तक ये फोर लेन बन जाए, लेकिन क्योंकि हाईवे का पार्ट नहीं, उनकी वजह से उस वक्त बन नहीं पाया। लेकिन आज अवसर आया आपके सानिध्य से, और मैं यूआईटी सेक्रेटरी राजपाल जी यादव साहब को, चेयरमैन यूआईटी को, दोनों को अपनी ओर से धन्यवाद भी दूंगा कि आपने इस मर्म को, इस पीड़ा को समझा। कैरिज वे बिट से हाईवे की ज़्यादा है और आगे की कैरिज वे बिट कम होने की वजह से लगातार एक्सीडेंट होने का डर बना रहता था। लाइट का भी अभाव था। रामू का पास तिराए पे आप सब ने देखा कई बार एक्सीडेंट, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए हैं। तब पिछली बार हाईमास्ट लाइट लगा करके इसको थोड़ा सुगम बनाए थे, लेकिन फिर भी सीकर का जो मेन एंट्री जो है रामू का पास तिराए से गोकुलपुरा तक, कैरिज वे बिट कम होने की वजह से और गड्ढे होने की वजह से लगातार एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बनी रहती थी। आज ये जो मन में एक बड़ी शंका थी, आज तक लोगों की उपस्थिति में ये शंका दूर हुई और इसका शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया। वीवाईटी जब से बनी है भले से सब अवस्था में है, लेकिन फिर भी सीकर वीवाईटी के साथ जितनी भी वीवाईटी बनी उन सब के बजाय सीकर यूआईटी आज भी समृद्ध यूआईटी में से है और एक विजन के साथ लगातार काम भी कर रही है। अभी यूआईटी सेक्रेटरी साहब ने काफ़ी विस्तार से आप लोगों को बताया, जीवन खाजी ने शहर के विकास के लिए काफ़ी कुछ विस्तार से आपको बताया, उन बातों को पुनः मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन किसी भी शहर का मुख्य द्वार जो है वो उसकी मुख्य सड़कें हैं, तो मैं यूआईटी सेक्रेटरी साहब को, चेयरमैन साहब यूआईटी को मैं अपनी ओर से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। खासतौर से आपने देखा होगा कि बीकानेर बाईपास पे छोटे छोटे एंट्रीज हैं, चंदपुरा की एंट्री है, कांवरपुरा की एंट्री है, धोध की एंट्री है, रामपुरा की एंट्री है, पालवास की एंट्री है, श्यामपुरा की एंट्री है, और इनकी वजह से लगातार आवागमन काफ़ी रहता है और लगातार एक्सीडेंट प्रोन एरिया बना रहता है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि इन एंट्रीज पे हाईमास्ट लाइट लगा करके, क्योंकि फोर लेन बनाने का अपने पास बजट भी नहीं है और काफ़ी बड़ा खर्चा आएगा इसमें, इतना संभव भी नहीं है, लेकिन हम एक बड़ा काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे यदि हम इसको थोड़ा स्लिप लेन बना करके इसको थोड़ा चौड़ा करें और उसे एक हाईमास्ट लाइट यदि अपन इस पर लगा दें तो निश्चित रूप से, क्योंकि आवागमन काफ़ी ज़्यादा है, एक तो आपका पालवास रोड, कंवरपुरा रोड, श्यामपुरा रोड, चंदपुरा रोड, यहाँ एजुकेशन हब काफ़ी बड़ा है और एजुकेशन की वजह से बच्चों का आवागमन काफ़ी ज़्यादा रहता है और लगातार डर सा बना रहता है कि कई बार छोटे मोटे एक्सीडेंट भी होते हैं, कई बार जो है हादसे ऐसे भी होते हैं कि छोटे छोटे बच्चों की जान चली जाती है। तो वहाँ पर यदि हम हाईमास्ट लाइट लगा देंगे तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट की जो एक संभावना बनी रहती है काफ़ी कमी आएगी। आपने देखा होगा खासतौर से जब रात को जब आप जयपुर से आते हैं या जाते हैं, रामू का पास तिराए पे जो है एक्सीडेंट लगातार होते रहते थे। हाईमास्ट लाइट लगाने के बाद में उसके बाद एक भी एक्सीडेंट यहाँ पे करीब नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी जो है लाइट का काफ़ी अच्छा प्रभाव रहता है और एक दूसरे लोगों को नज़रों से ओझल नहीं होता। तो मेरा एक विनम्र निवेदन आपको ये भी रहेगा, और एक विनम्र निवेदन मैंने आपके सेक्रेटरी साहब से भी निवेदन किया था कि हम खर्चा जितना कर रहे हैं, हमारे पास जितने रिसोर्सेज डेवलप नहीं होंगे तब तक हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। पहले एक अपने से जो कॉलोनी डेवलप करने के लिए जो प्लान बनाया वो किन्हीं कारणों से आज भी कोर्ट में फंसी हुई है। चंदपुरा में काफ़ी लंबी चौड़ी ज़मीन अपने पास में, मेडिकल कॉलेज भी वहाँ पे आ रहा है, तो चंदपुरा पे अपन यदि एक अच्छी कॉलोनी डेवलप कर देंगे और कॉलोनी से पहले उसकी अप्रोच हम यदि ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 60 फीट चौड़ी रोड
हमने वैसे क्योंकि रास्ता तो बना हुआ है लेकिन रास्ता मुश्किल से 30 फुट के करीब का रास्ता है वो, उसको हम यदि 60 फुट या 100 फुट का यदि हम रास्ता बना करके और कॉलोनी डेवलप करेंगे तो शायद जयपुर से भी ज़्यादा जो है महंगी कॉलोनी बिकने का पूरी संभावना है और मेडिकल कॉलेज आने के बाद जो संभावना है और भी ज़्यादा बढ़ गई उसकी। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूँगा कि यदि ये कॉलोनी अपना डेवलप करते हैं तो एक और जहाँ यूआईटी की आय में वृद्धि होगी उसके साथ साथ यूआईटी केवल शहर के लिए नहीं है, यूआईटी गांव में भी है और गांव के भी लोग आपसे और हमसे अपेक्षा करते हैं कि भाई जितना काम शहर में हो रहा है गांव में भी हो। तो हम यदि अच्छी से कॉलोनी डेवलप कर पाएंगे तो जहाँ लोगों को रहने की सुविधा मिलेगी आय में भी वृद्धि होगी और हम आसपास के जो छोटे मोटे जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ छोटे मोटे सड़कों के लिए या छोटे मोटे और किसी भी तरह के कार्यक्रम में हमको जरूरत पड़ती है उसमें भी हम अपनी भागीदारी निभाएंगे तो निश्चित रूप से यूआईटी अपना एक और भी ज़्यादा विजन बढ़ा करके काम कर पाएगी। यूआईटी सीकर जो है आपने भी देखा होगा आने के बाद में कि खासतौर से फतेहपुर रोड जो आपने स्वयं भी देखा है, नवलगढ़ रोड भी आपने देखा है, इन पर काफ़ी गहरे गड्ढे भी हैं और एक्सीडेंट प्रोन एरिया बना हुआ है, इनको भी अभी टेकअप किया है जिसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और ख़ासतौर से जो प्रबुद्ध जन आप लोग जो पधारे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक सोच है, खासतौर से जब परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है तो उस वक्त काफ़ी परेशानी महसूस करता है आदमी और कई बार पैसों के अभाव में अपने गहने गिरवी रखते हैं, अपनी ज़मीन बेचते हैं और कई बार स्थिति और भी ज़्यादा विकट हो जाती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो एक पहले जो फ्री मेडिसिन का जो कंसेप्ट था उसमें विस्तार करके और चिरंजीवी योजना के माध्यम से एक बड़ा विस्तार रूप दिया है उसको। पहले जहाँ 5 लाख रुपए का था मेडिकल का, आज उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिए और इसके साथ में 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए जो है एक्सटेंड क्लेम का भी कर दिया। आप जितने भी जो प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा यदि चिरंजीवी योजना में आपने अभी तक एनरोलमेंट नहीं किया है मेहरबानी करके इसकी महत्ता को समझें और पूरी कोशिश के साथ में चिरंजीवी योजना के आप जरूर बनवाएं क्योंकि कई बार जब विपत्ति काल आता है तो पूछ के नहीं आता और ऐसे में वो चिरंजीवी कार्ड आपके लिए वरदान साबित होता है। आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं और खासतौर से मैं सरपंच साहिबा जो है अपनी उनको भी एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि गोकुलपुरा में एक कैंप लगा करके और जितने भी चिरंजीवी योजना के जो बचे हुए लोग हैं उनको सबको चिरंजीवी योजना में आप शामिल करें। चेयरमैन साहब आपसे भी और वाइस चेयरमैन साहब और सारे पार्षदगण जो बैठे हुए हैं आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप सारे वार्ड्स में कैंप लगाएं, कैंप के माध्यम से एक एक घर को आप तलाश करके चिरंजीवी योजना में आप शामिल करेंगे क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में राजनीति में हूँ और कई बार ऐसी विकट स्थिति खड़ी हो जाती है कई लोग आकर के बताते हैं कि सब चिरंजीवी योजना का कार्ड बना हुआ नहीं है और अचानक घर में जो है कोई भाई बीमार हो गया, पिता बीमार हो गया, माँ बीमार हो गया और कोई बच्चा बीमार हो गया और ऐसे में उसके हाथ पांव फूल जाते हैं और उसके पास में कोई विकल्प नहीं बचता और न कोई मदद करने के तैयार होता है। पहले फिर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो मुख्यमंत्री जो स्कीम थी सहायता का उसमें जो है वो 60,000 रुपये तक का करीब सहयोग मिल जाता था लेकिन अब चूंकि चिरंजीवी योजना आ गई तो वो भी एक काम जो है अनूठा काम हो गया, उसमें शामिल करना मुश्किल हो रहा है। तो मेहरबानी करके चिरंजीवी योजना के माध्यम से आप अपनी भागीदारी निभाएं, एक बड़ा काम है और मैं एक बार पुनः यूआईटी चेयरमैन और जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव साहब को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, यादव साहब को शुभकामनाएं देता हूँ, सभी अधिकारी आप पधारे आप सबको बहुत धन्यवाद और ग्रामीण से और शहर से जितने भी लोग पधारे हुए हैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ पर चूंकि गोकुलपुरा त्रय सड़क का चौड़ाईकरण मेडिन स्टिक और लाइट का शिलान्यास हुआ है। खासतौर से जो रामकाबाद त्रय से जहाँ तक डिवाइडर बना हुआ है वहाँ तक तो कैरिज वे विड्थ डबल है लेकिन इसके आगे क्योंकि रोड सकड़ी है
और लगातार एक्सीडेंट का भय बना रहता है। तो आज इस निर्माण से न केवल आवागमन में सुविधा होगी बल्कि आने वाले लोग जो है शहर में एक अच्छी एंट्री भी देख पाएंगे, और इसके साथ साथ शहर के जो मार्ग जो चौड़ा हो रहा है डीवाईडी के बाद में जो रास्ता जो स्पेस जो बच रहे हैं उसमें अच्छी क्वालिटी के घने छायादार वृक्ष भी लगाए जा रहे हैं, जिससे सौंदर्यकरण भी होगा और एक गैलेक्ट्री आने वाले फ्लाइट की और ख़ासतौर से जो रामकाबाज तिराए पे जो आईमास फ्लाइट लगी है उसकी वजह से एक्सीडेंट का भय जो है कुछ कम हुआ है। तो मैं आज के इस मौके पर यूआईटी चेयरमैन डॉक्टर अमित यादव साहब को और सेक्रेटरी साहब को भी अपनी ओर से शुभकामनाएं धन्यवाद देना चाहूँगा, और ख़ासतौर से जितने भी जो मेरे जनप्रतिनिधि पधारे हैं उन्हें सरपंच साहिबा और ग्रामीण जन को शहर से पधारे हुए सभी लोगों को अपनी ओर से शुभकामनाएं धन्यवाद देना चाहूँगा, और शहर के सौंदर्यकरण में जो यूआईटी ने योगदान दिया है उसके लिए बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।